हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जी टेक बब्लू इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आप भी कुछ इस तरह का हैप्पी होली का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं अपने फोटो के साथ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाएगा फ्रेंड, और आप भी इस तरह का वीडियो बना सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, इस वीडियो को बनाने के लिए आपको मोबाइल में काइनमेस्टर ऐप होना जरूरी है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, आप सबसे पहले काइनमेस्टर ऐप को ओपन करके इस वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, काइनमेस्टर ऐप ओपन कर दीजिएगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, तो यहाँ से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ से 9:16 के रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ एडिटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, और यहाँ से आपको यहाँ पे फेल स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है कुछ इस तरह से, और उसके बाद फ्रेंड इसका सेकंड कुछ इस तरह से कम कर देना है फ्रेंड कुछ इस तरह से, और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है, और उसके बाद फ्रेंड आपको जाना है यहाँ पर मीडिया के ऑप्शन में, और यहाँ से आपको कुछ इस तरह से 10-15 फोटो को सिलेक्ट कर लेना है फ्रेंड। यहाँ पर कुछ इस तरह से नीचे आ जाते हैं फ्रेंड, और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से हम 10-15 फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से इसको सेलेक्ट करके ओके कर देना है फ्रेंड, और उसके बाद फ्रेंड इसको कुछ इस तरह से जूम कर देना है फ्रेंड कुछ इस तरह से, फ़ोटो को कुछ इस तरह से दोनों उंगली से टच करके जूम कर देना है फ्रेंड, और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे फोटो पे क्लिक करना है, और यहाँ आपको क्लिप ग्राफिक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर फ्लैश बल्ब वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करके ओके कर देना है फ्रेंड, और उसके बाद फ्रेंड दूसरे नंबर फोटो पे क्लिक करके इसी तरह से आपको यहाँ पे क्लिप ग्राफिक्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और इसमें भी दूसरा नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर देना है फ्रेंड। सारे फोटो में क्लिप ग्राफिक्स को ऐड कर देते हैं फ्रेंड, और फ्रेंड सारे फोटो में क्लिप ग्राफिक्स ऐड कर देने के बाद में आपको यहाँ पे शुरू से आ जाना है, और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद फ्रेंड हमको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है फ्रेंड यहाँ पर क्लिक करके। तो फ्रेंड ये वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है फ्रेंड, और फ्रेंड हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो गया, तो इसको कुछ इस तरह से बैक ले लेते हैं, और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद फ्रेंड आपको कुछ इस तरह से अभी जिस वीडियो को एक्सपोर्ट करके रखें फ्रेंड उसको यहाँ से सेलेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से इसको हम 30 सेकेंड तक कर देते हैं फ्रेंड कुछ इस तरह से, और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है, और उसके बाद फ्रेंड आपको जाना है यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन में और मीडिया का ऑप्शन है फ्रेंड, और यहाँ से आपको इस ग्रीन स्क्रीन टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है फ्रेंड, और उसके बाद फ्रेंड इसको फुल स्क्रीन में कर देना है कुछ इस तरह से, और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है फ्रेंड, और उसके बाद फ्रेंड फिर से आपको इस पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद फ्रेंड आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर क्रोमा की के ऑप्शन में आ जाना है फ्रेंड, और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से इनेबल कर देना है फ्रेंड, और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है फ्रेंड, और उसके बाद फ्रेंड इस वीडियो को हमको सेव कर लेना है। तो सेव करने के लिए उसी तरह से आपको एक्सपोर्ट कर देना है तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, और यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर देना है फ्रेंड, और फ्रेंड ये वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है फ्रेंड। और फ्रेंड हमारा ये भी वीडियो एक्सपोर्ट हो गया, तो इसको कुछ इस तरह से बैक ले लेते हैं फ्रेंड, और यहाँ से शुरू से आ जाते हैं फ्रेंड, और उसी तरह से प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से 9:16 के रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है फ्रेंड, और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे मीडिया वाले ऑप्शन में जाना है, और पहले जिस वीडियो को एक्सपोर्ट करके रखें फ्रेंड उसको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से, और यहाँ से ओके कर देना है फ्रेंड, और उसके बाद फ्रेंड आपको इस वीडियो पर क्लिक कर देना है कुछ इस तरह से, और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर आ जाना है कलर फिल्टर के ऑप्शन में, और यहाँ आपको बेसिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है फ्रेंड, और यहाँ से आपको B02 वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर देना फ्रेंड, और उसके बाद फ्रेंड आपको इस पे क्लिक करके, और यहाँ से आपको 3 डॉट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है फ्रेंड, और यहाँ से आपको डुप्लीकेट कर देना फ्रेंड 30 सेकंड तक हम डुप्लीकेट कर देते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड 30 सेकंड तक कर देते हैं कुछ इस तरह से, और उसके बाद फ्रेंड 30 सेकंड तक हो गया तो इसको हम ओके कर देते हैं फ्रेंड, और उसके बाद फ्रेंड आपको जाना है यहाँ पर लेयर का ऑप्शन में और मीडिया का ऑप्शन में, और अभी जिस वीडियो को एक्सपोर्ट करके रखे हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है, और इसको यहाँ से कैंची का ऑप्शन पर क्लिक करके, और इसको यहाँ से फुल स्क्रीन में कर देना है, और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है, और उसके बाद फ्रेंड आपको इस पर क्लिक कर देना है, और आपको आ जाना है यहाँ पर क्रोमा की के ऑप्शन में, और इसको कुछ इस तरह से इनेबल कर देना है फ्रेंड, और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे की कलर पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको ब्लू कलर को सिलेक्ट कर देना है फ्रेंड, और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है कुछ इस तरह से, और यहाँ से भी ओके कर देना है फ्रेंड, और उसके बाद फ्रेंड आपको जाना है यहाँ पर लेयर का ऑप्शन में और मीडिया का ऑप्शन में, और फ्रेंड उसके बाद में आपको इस लाइट वाले टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर देना है फ्रेंड, और फ्रेंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रेंड, और इसको भी फुल स्क्रीन में कर देना फ्रेंड यहाँ से क्लिक करके, और यहाँ पे भी ओके कर देना फ्रेंड, और उसके बाद फ्रेंड आपको फिर से इस पर क्लिक करके, और आपको आ जाना है यहाँ पे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में फ्रेंड, और यहाँ से आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देना है फ्रेंड, और उसके बाद फ्रेंड आपको जाना है लेयर का ऑप्शन में और मीडिया का ऑप्शन है फ्रेंड, और यहाँ से आपको इसको बॉर्डर PNG फोटो को सिलेक्ट कर देना है फ्रेंड कुछ इस तरह से है, और फ्रेंड इसका लेयर कुछ इस तरह से बढ़ा देना है, और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से फुल स्क्रीन में कर देना है कुछ इस तरह से, और यहाँ से ओके कर देना है फ्रेंड, और उसके बाद फ्रेंड आपको जाना है लेयर का ऑप्शन में और मीडिया का ऑप्शन में, और यहाँ से आपको हैप्पी होली लिखा हुआ PNG टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना फ्रेंड, और इसका लेयर कुछ इस तरह से बढ़ा देना है फ्रेंड,
और उसके बाद में फ्रेंड इसको यहाँ पे लेकर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है, और उसके बाद में फ्रेंड आपको यहाँ से ओके कर देना है फ्रेंड। और उसके बाद में फ्रेंड आपको यहाँ पे आ जाना है कुछ इस तरह से लाइट वाले टेम्पलेट पे, और इसमें साउंड है फ्रेंड, तो इसका साउंड यहाँ से म्यूट करके ओके कर देना है फ्रेंड। और उसके बाद में फ्रेंड हमारा वीडियो रेडी हो गया है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड हम अपना वीडियो को थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं कि किस तरह से एडिट हुआ है। फ्रेंड देख सकते हैं कि हमारा वीडियो कुछ इस तरह से एडिट हुआ है फ्रेंड। और फ्रेंड इसमें आप दूसरा होली सॉन्ग ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इस वीडियो पे क्लिक कर देना है कुछ इस तरह से, और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे साउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ से इसका साउंड म्यूट कर देना है, और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना फ्रेंड। और फ्रेंड हम जिसमें ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट ऐड किए हैं उसका साउंड हम म्यूट किए हैं फ्रेंड। और फ्रेंड इसमें दूसरा ऑडियो सॉन्ग ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ से कोई भी होली सॉन्ग को सिलेक्ट कर देना है फ्रेंड कुछ इस तरह से, और उसके बाद में फ्रेंड प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके ओके कर देना है फ्रेंड। और उसके बाद में फ्रेंड इस वीडियो को सेव कर लेना है फ्रेंड। तो उसी तरह से आपको तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको एक्सपोर्ट कर देना है, और फ्रेंड हमारा वीडियो अब सेव होने लगा फ्रेंड। तो फ्रेंड आप भी इस तरह से हैप्पी होली का स्टेटस वीडियो बना सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल में अपडेट होता रहे। और फ्रेंड हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं मैसेज के द्वारा तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से अगर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।